करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जबरदस्त मोगलियन चिकन बनाने का तरीका समझाऊंगी। उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। चलिए देखते हैं कि मोगलियन चिकन बनाने के लिए हमें कौन सी चीजें दरकार होंगी। इसके लिए मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन ले लिया और इसको फिंगर चिप्स की सूरत में कट कर लिया। इसके बाद हमने 2 दरमियानी साइज की शिमला मिर्च ली थी और उसको भी लंबा लंबा कट कर लिया। 2 दरमियानी साइज के प्याज लिए थे और इसको सेंटर में रखकर 4 टुकड़े कर लिए थे और उसके बाद हमने इसको खोल लिया। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 2 एग्स लिए, ये मेरे पास देसी अंडे हैं, आपको जो अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके साथ हमने 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस इस्तेमाल करना है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने सॉस में ऐड करना है, इसलिए सेपरेट दिखाया आपको। इसके बाद मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली और उसको ब्रेक कट कर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। तिल है, लास्ट पर बिल्कुल जब रेडी हो जाएगा तब ऐड करेंगे, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद सूख मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, आपने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेना, कम या ज्यादा। कुटी हुई मोटी कुटी हुई जो सुर्ख मिर्च है ना, जिसको हम चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो डालते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर डाल लिया। इसके बाद 4 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर फिर से हम लेंगे चिकन मैरिनेशन के लिए। 1.5 चम्मच चीनी हमने ली है, ये खट्टा मीठा सालन बनेगा इसके लिए। 2 चम्मच जो है वो मैंने सिरका लिया है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून जो है हमने सफेद मिर्च पाउडर लिया है, नमक हसबे जरूरत हसबे जायका, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, फिर भी मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया। इसके बाद काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून। चलिए अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने एक बॉल ले लिया, बॉल के अंदर सबसे पहले जो है हम एग जो है वो डालेंगे। इसको अच्छे से जो है वो मैं बीट कर लूंगी। सफेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक 1/2 इस्तेमाल करेंगे, 1/2 सालन में डालेंगे। अब मैं अगेन इसको बीट कर लूंगी। अब हम इसके अंदर ये जो चिकन है इसको शामिल करेंगे। चिकन को डालने के बाद अच्छे से मिक्स, ये अब कॉर्नफ्लोर इसके अंदर। चलिए अब ये हमारा जो चिकन है मैरिनेट हो गया, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए जो है वो मैरिनेट करके छोड़ दूंगी, जब तक हम अपना घी गरम करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया जिसमें हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हमारा जो घी है वो काफी हद तक गर्म हो चुका है, इसमें हम एक जो है वो पीस चिकन का ऐड करके देखते हैं। एक आपने मेक श्योर ये करना है कि हमारी जो चिकन की शेप है वो उसी शेप में जो है हमने इसको डालना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब आपने क्या करना है, हाथ की मदद से जिस शेप का चिकन है उसी शेप में जो है आपने इसको डालते जाना है और एक वक्त में उतना ही आपने चिकन ऐड करना है जितनी कैपेसिटी हो, सारा एक दफा नहीं डालना। अब मेरी जो
कढ़ाई की स्पेस है वो कम हो गई है। अब हम इनको पहले अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद जो हम इनको निकालते जाएंगे और फिर नेक्स्ट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा ये देखें, ये इस पे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। इसको हम मजीद थोड़ा सा सुनहरी करेंगे और सुनहरी करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस पे कलर आ चुका है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब इसके साथ ही मैं चिकन ऐड करती हूँ। इस डिश में सब्जियां काटना और ये चिकन को फ्राई करना ही थोड़ा सा काम है, उसके बाद तो जस्ट इन सबको ऐड करना है, 1 से 2 मिनट तक पकाना है और हमारी जो डिश होगी वो रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको भी उसी तरह गोल्डन ब्राउन करके चिकन को निकाल लूंगी और फिर हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें अब हमारा सेकेंड जो है वो भी रेडी हो गया। बाकी का जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं निकाल लूंगी, सिर्फ जितने में अब हमारा कुक होगा उतना ही मैं इस कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल रहने दूंगी। चिकन फ्राई हो चुका है, अब नेक्स्ट हम इसके वेजिटेबल्स और सॉस को रेडी करेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं जो है अपनी बाकी की डिश को कंप्लीट करूंगी और मुझे जितना ऑयल चाहिए तकरीबन 1 जो है बड़ा चम्मच जो मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, ये वाला हंडिया बनाने वाला 1 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन की जो है पेस्ट ऐड करूंगी। एक सेकेंड के बाद मैं इसके अंदर सूर्ख मिर्च पाउडर, नमक शामिल करूंगी, सिरका, चीनी, सोया सॉस। अच्छा जी, यहां तक अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब मैं तकरीबन 1/2 कप जो है वो पानी ऐड करूंगी। अच्छा ये बिल्कुल हमारी ड्राई सी डिश है, ये आपने देख लेना। और यहाँ तक अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें किसी किस्म की कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये एक चाइनीज डिश है और इसमें हल्की सी बस हमने इसको सिजलिंग करना है और उसके अंदर जिसको हम सॉटे करना है या 1 से 2 मिनट तक भूलेंगे, जब तक इसका मुँह में क्रंच नहीं ना आएगा शिमला मिर्च का और प्याज का, तब तक वो चाइनीज डिश कम्प्लीट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमने बिल्कुल जो लास्ट पर जाकर क्या करना है इसके अंदर वो शामिल करना है। अच्छा जी, अब ये देखें वो जो हमारे 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया था उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। ये हमने सॉस को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए ये अब अच्छे से मिक्स हो गया, चलिए अब इसको हम सॉस में शामिल करते हैं। ये देखें अब जैसे ये हमारी पकने लगी है सॉस, इसके अंदर जो मैंने कॉर्नफ्लोर अभी मिक्स किया है उसको हम शामिल करेंगे ताकि इसको हल्का सा गाढ़ा कर लें, साथ साथ अपने चम्मच हिलाते जाना और ये गाढ़ी होगी हमारी सॉस। इसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर अपनी तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट पर जाकर जो है मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स और ये जो हमारा गोश्त है इसको ऐड किया। बस हमने इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पकाना है। जैसे ये हल्का सा ऑयल छोड़ेगा हमारी जो चिकन मंगोलियन रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी।
ये देखें व्यूअर्स, हमारा मोगलियन चिकन रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जस्ट हमने इसको क्या करना है, डिश आउट करना है और इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। मैंने इसको हार्डली 1 से 2 मिनट जो है वो इसमें पकाया, जस्ट या चले। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने हल्की हल्की इसमें लास्ट सेक रखी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही ड्राई डिश है, तो मैंने अपनी मर्जी से इसमें हल्की हल्की जो है वो सॉस रखी है। आप इसको थोड़ा मजीद ड्राई भी कर सकते हैं। अब मैं ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो चाइनीज चिकन मंगोलियन रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको क्या करूंगी, हरी मिर्चों के साथ इसको हल्का सा गार्निश करूंगी और साथ में ही हम जो है वो तिल भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। जो तिल है जस्ट आपने स्प्रिंकल करनी है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको आज की ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।